गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था उसकी जो फर्स्ट मेथड है हमारा नेट असेस मेथड से हम वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे। नेट असेस मेथड में ही हम दूसरा वीडियो देखेंगे उस सिचुएशन में जब कंपनी ने एक से अधिक तरह के इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए हैं, यानी कंपनी ने एक ही फेस वैल्यू के शेयर्स इशू नहीं कर रखे हैं, एक से अधिक फेस वैल्यू के शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें भी अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। उस कंडीशन में मैंने पहली कंडीशन ली है तब जब हमारे अंशों का अंकित मूल्य अलग अलग है, यानी किसी शेयर्स की फेस वैल्यू हमारी सपोज करो 10 रुपीज़ है, किसी की हमारी 5 रुपीज़ है, किसी की हमारी 2 रुपीज़ है। फेस वैल्यू सबकी अलग अलग है लेकिन सारे शेयर्स हमारे फुली पेड अप हैं। फेस वैल्यू अलग अलग है लेकिन हर शेयर होल्डर ने अपना पूरा पैसा आपको चुका दिया है, फुली पेड अप है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो फिर हम वैल्यू पर शेयर किस तरीके से निकालेंगे। यदि सिचुएशन ऐसी है कि हमारे शेयर्स अलग अलग फेस वैल्यू के हैं लेकिन फुली पेड अप हैं, तो सबसे पहले हम नेट असेट्स वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो से निकालेंगे। पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेट असेट्स निकाल लेंगे। नेट असेट्स को फिर हम बांट देंगे रेशो में, इसको हम रेशो में बांट देंगे। तो रेशो ऑफ निकालेंगे हम पेड अप कैपिटल, जितना पैसा हमें मिल गया है उस पेड अप कैपिटल के रेशो में हम असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे सपोज को 3 कैटेगरी के शेयर्स हैं तो 3 कैटेगरी आ जाएगी, जैसे ए कैटेगरी, बी का हिस्सा आ जाएगा और सी का, तीनों का शेयर आ जाएगा, शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी एंड शेयर ऑफ सी। हम तीनों का शेयर निकालेंगे, हर किसी का जो हिस्सा निकला होगा असेट्स में उसको अपन उसी की कैटेगरी के नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से उसको हम डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बी कैटेगरी के यहाँ पर आ जाएंगे ए कैटेगरी के, और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे सी कैटेगरी के। तो यहाँ पे शेयर्स ऑफ हिस्सा निकालेंगे हम ए कैटेगरी का, बी का और सी का कैपिटल में से, और खुद के शेयर्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू पर शेयर यहाँ पर निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेके देखें तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें इस कंपनी ने 3 तरह के शेयर्स इशू किए हुए हैं। यहाँ पर 3 तरह के शेयर्स इशू किए हुए हैं इसने, 20,000 इक्विटी शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है लेकिन ये फुली पेड अप है, 40,000 इक्विटी शेयर्स इसकी फेस वैल्यू 8 रुपये की है ये भी फुली पेड अप है, 40,000 इक्विटी शेयर्स इसकी फेस वैल्यू 6 रुपये है लेकिन ये भी हमारा फुली पेड अप है। तीनों ही फुली पेड अप हैं लेकिन तीनों की वैल्यू अलग अलग है। इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है हमको रिजर्व एंड सरप्लस की, 6 लाख रुपीज़। आगे सूचना दे रखी है कि भूमि के बाजार मूल्य में पुस्तक मूल्य से 1,50,000 की वृद्धि हुई है, यानी हमारी जो भूमि का मूल्य है, वैल्यू ऑफ लैंड है, वो हमारी 1,50,000 रुपये से बढ़ गई है। इसके अलावा बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दे रखी है जिसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पर निकाली है, लगभग 2 लाख रुपये की यहाँ की वैल्यू गुडविल की होगी। अब इस क्वेश्चन में नेट असेट्स निकालने के लिए एग्जाम्पल 1 में मैंने नेट असेट्स बताया था, वो था हमारा असेट्स अप्रोच, यानी असेट्स की सूचना है तो हम नेट असेट्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो हम नेट असेट्स निकालेंगे उस नेट असेट्स में हम काम लेंगे यहाँ पे लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच के अंदर नेट असेट्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इशू किए हुए हैं, इसमें इक्विटी भी आ जाएगा और हमारा प्रेफरेंस भी आ जाएगा, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल। यदि क्वेश्चन में हमको पी एंड एल अलग से दे रखा है तो इसके अलावा ये 3 चीज़ तो मेन हमारी आई जाएंगी, लायबिलिटी साइड की सूचना हमको दे रखी होगी। इसके अलावा इसमें हमको प्लस करना है इंक्रीज इन असेट्स, यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो वो हमको इसमें प्लस कर देना है, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो हमें फ़ायदा है उसको हमें जोड़ देना है, दायित्वों के मूल्य में कमी होगी तो हमें फ़ायदा है उसको भी हम उसमें जोड़ देना है, इसका जस्ट अपोजिट जो होगा उसको हम लेस कर देंगे, यानी डिक्रीज इन वैल्यू। यदि हमारी संपत्ति के मूल्य में कोई कमी हो रही होगी उसको हम यहाँ से कम कर देंगे क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से यदि हमारे दायित्व के मूल्य में कोई भी वृद्धि हो रही होगी
वो भी हम इसमें से लेस कर देंगे। इसके साथ ही यदि प्रश्न में सूचना है तो इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स, यानी किसी भी तरह की कोई कृत्रिम संपत्ति है तो वो भी हम इसमें से लेस कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको नेट असेट्स असेट्स अप्रोच में, उस असेट्स अप्रोच में हमने सारी संपत्तियाँ ले ली थी मार्केट प्राइस पर, जिसमें हमने कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ दिया था, उसमें हमने माइनस किया था सारी लायबिलिटीज़ की एक्चुअल वैल्यू को, फिर जो राशि निकली थी वो हमारी नेट असेट्स थी। यदि प्रश्न में असेट्स की सूचना नहीं है तो फिर हम निकालेंगे नेट असेट्स लायबिलिटी अप्रोच से, यानी लायबिलिटी की सूचना के आधार पर निकालेंगे, जिसका तरीका है निकालने का शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों शामिल की जाएंगी। यहाँ पे चूंकि एक ही सूचना है तो सिर्फ इक्विटी की लेंगे, और ये आएगी पेड अप, यानी कितना पैसा हमें मिला है वो राशि आएगी, यानी पेड अप कैपिटल आएगी यहाँ पे, कितना पैसा हमें एक्चुअली में मिल गया है, प्लस रिजर्व सरप्लस यदि क्वेश्चन में सूचना दे रखी है तो, प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल यानी करंट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है वो भी इसमें हम जोड़ देंगे। इन तीन मेन आइटम्स के अलावा यदि हमारे संपत्ति और दायित्वों में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, यानी फ़ायदा हो रहा है तो हमें जोड़ देना है, नुकसान हो रहा है हमें घटा देना है। तो फ़ायदा कब कब होगा हमको, जब हमारी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तब हमें फ़ायदा है, और हमारे दायित्वों के मूल्य में कमी होगी तो भी हमें फ़ायदा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे इसमें, ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। जहाँ नुकसान होगा उसको माइनस कर देंगे। नुकसान कब कब होगा, जब हमारी संपत्तियों के मूल्य में कमी हो रही है तो हमें नुकसान होगा, और हमारी लायबिलिटीज़ के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो भी हमें नुकसान होगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे। इसके अलावा यदि प्रश्न में सूचना है कृत्रिम संपत्तियों की तो उसको भी हम इसमें से लेस कर देंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा नेट असेट्स। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे असेट्स की सूचना नहीं है तो हमें लायबिलिटी अप्रोच से ही निकालनी पड़ेगी नेट असेट्स। तो हम पहले ले लेंगे यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल तीन तरह की है, 20,000 शेयर्स 10 रुपीज़ फुली पेड अप, 40,000 शेयर्स 8 रुपीज़ फुली पेड अप, 40,000 इक्विटी शेयर्स 6 पेड अप। रिजर्व सरप्लस दे रखे हैं हमें 6 लाख रुपए के। यहाँ पे भूमि के मूल्य में वृद्धि हो रही है यानी इंक्रीज़ हो रहा है, हमको फ़ायदा है, इसको हम जोड़ के दिखा देंगे। ख्याति जो कि पुस्तकों में नहीं दे रखी है, यानी ख्याति की जो वैल्यू है बैलेंस शीट में वो 0 रुपीज़ है, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू उसके दिखा रहे हैं हम, जो वैल्यू में निकाली है वो 2 लाख है, यानी यहाँ भी हमारे खाते के मूल्य में वृद्धि हो रही है जो हमको फ़ायदा है। तो यहाँ पे हमारी नेट असेट्स निकल जाएगी इस तरीके से। नेट असेट्स निकालने के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी सबसे पहले हमारी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे तीन तरह की है, पहली है हमारी 20,000 जिसमें हमको 10 रुपये पूरे मिल गए हैं, प्लस 40,000 या 8 रुपये का है इसमें हमें 8 रुपये मिले हैं, प्लस 40,000 ये शेयर्स 6 रुपये का ही है इसमें हमको 6 रुपये मिले हैं। इन तीनों के अलावा रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा 6 लाख रुपए का। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स जो भूमि के मूल्य में वृद्धि हुई है वो है हमारी 1,50,000, और गुडविल जो वृद्धि हुई है वो है हमारी 2 लाख। तो यहाँ पर नेट असेट्स आ जाएगी हमारी 2 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 6 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख। तो ये आ जाएगी हमारी 17,10,000 17,10,000 रुपीज़। इसको मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, नेट असेट्स यहाँ पर निकलेगी लायबिलिटी अप्रोच से, क्योंकि हमें सूचना सिर्फ लायबिलिटीज की दे रखी है। उसके लिए ले लेंगे हम शेयर कैपिटल, यहाँ पे तीन तरह की है, 20,000 शेयर्स 10 रुपये के हैं, 40,000 शेयर्स 8 रुपये के हैं, 40,000 शेयर्स 6 रुपये के हैं, ये हमारी आ जाएगी कैपिटल। यानी कैपिटल है हमारी 2 लाख पेड अप है, इसमें 3,20,000 पेड अप है, इसमें 2,40,000 पेड अप है। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा 6 लाख रुपये का। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड आ जाएगा हमारा 1,50,000, और गुडविल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी 2 लाख। इन सबको जोड़ देंगे, नेट असेट्स आ गई हमारी 17,10,000। अभी 17,10,000 को हम तीन करेंगे कैटेगरी शेयर्स में, यानी फर्स्ट जो कैटेगरी है जिसमें हमारे 20,000 शेयर्स हैं, बी कैटेगरी है जिसमें हमारे 40,000 शेयर्स हैं, सी कैटेगरी जिसमें हमारे 40,000 शेयर्स हैं। इन तीनों में हम बांट देंगे पेड अप कैपिटल के रेशियो में। तो इसकी जो पेड अप कैपिटल है
पेड अप कैपिटल ए कैटेगरी की है हमारी 2 लाख रुपए की, बी कैटेगरी की है 3,20,000 रुपए की और सी कैटेगरी की है हमारी 2,40,000। तो हमारा रेशो बन जाएगा 2 लाख अनुपात 3,20,000 अनुपात 2,40,000। तो ये रेशो हमारा बन जाएगा 5:8:6। इसका रेशो आ जाएगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा लास्ट रेशो बन जाएगा 5:8:6। तो 17,10,000 को हम बांट देंगे तीनों रेशो में। तो 17,10,000 में जो ए का हिस्सा होगा वो आ जाएगा इनटू 5 अपॉन, तीनों को ऐड कर देंगे 5+8+6, ऐसे निकल जाएगा इसमें हमारा बी का हिस्सा 17,10,000 इनटू 8/19, और सी का हिस्सा निकल जाएगा 17,10,000 इनटू 6/19। तो इसका हिस्सा आ जाएगा हमारा 4,50,000, इसका हिस्सा आ जाएगा हमारा 7,20,000 और इसका हिस्सा आ जाएगा हमारा 5,40,000। यानी जो नेट एसेट सारी थी हमारी 17,10,000, उसको इसको हम एक्चुअल कैपिटल के रेशियो में, जो पेड अप कैपिटल है 5:8:6 के रेशियो में बांट देंगे। तो ए का हिस्सा आ गया 4,50,000, बी का आ रहा है 7,20,000, सी का आ रहा है 5,40,000। अब इसको इसके शेयर से, जैसे ए का हिस्सा 4,50,000 है और शेयर्स हैं हमारे 20,000, तो डिवाइड कर देंगे 20,000 से, इसमें डिवाइड कर देंगे हम 40,000 से और इसको भी डिवाइड कर देंगे हम 40,000 से। तो जो वैल्यू पर शेयर है उसका आंसर कैटेगरी ए जो है उसमें आ जाएगा हमारा 22.5, बी में आ जाएगा हमारा 18 और सी में आ जाएगा हमारा 13.5 रुपीस पर शेयर। ये तरीका है सॉल्व करने का, जब एक से अधिक कैटेगरी की इक्विटी शेयर्स दे रखे हों जिनकी फेस वैल्यू अलग अलग है लेकिन वो फुली पेड अप हैं। तो मैं फिर ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे नेट असेट्स असर्स अप्रोच से, लाइब्रेरी अप्रोच से, जिसकी सूचना आपको दे रखी है उसको हम पेड अप कैपिटल के रेशो में बांट देंगे। जो भी हमें पेड अप कैपिटल के रेशो में बांट देंगे, रेशो में बांटने के बाद जो भी हिस्सा निकलेगा उस हिस्से में हम जो भी शेयर्स होंगे हमारे, जितने भी रिलेटेड शेयर, जिसके शेयर्स 20,000 हैं, इसके 40,000 हैं, इसके 40,000 हैं, इन शेयर से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वैल्यू पर शेयर। इसी की एक वैकल्पिक विधि और है, उस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वैकल्पिक विधि के लिए आपको यदि सॉल्व करना है तो फिर तरीका ये होगा कि इसमें हम जो भी नेट एसेट्स हमारी निकली है उस नेट एसेट्स में हम पेड अप कैपिटल से डिवाइड करके 1 रुपये की शेयर पर हमें कितना पैसा मिला नेट एसेट्स का वो हम निकाल लेंगे। यानी सेकंड विधि में हम असेट्स को नहीं बांटेंगे, यहाँ पे असेट्स का हम निकाल लेंगे कि यदि पेड अप कैपिटल के रेशो में देखें तो पर रुपीज़ हमारी के हिसाब से हमारी कैपिटल का कितना हिस्सा हमको मिल रहा है नेट एसेट्स का। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ₹1 शेयर, यानी 1 रुपये के शेयर के लिए हमारी नेट एसेट कितनी वैल्यू है। तो फॉर्मूला हो जाएगा नेट एसेट्स जो है हमारा 17,10,000 डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल। तो हमारी पेड अप कैपिटल थी यहाँ पर 2 लाख, 3,20,000 और 2,40,000। तो डिवाइड कर देंगे 2 लाख + 3,20,000 + 2,40,000, हम पेड अप कैपिटल से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1 रुपये की शेयर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर 2.25। यानी 1 रुपये का जो शेयर है उसकी जो वैल्यू है नेट असेट्स के अंदर वो कितनी आ रही है हमारी 2.25। अब 3 कैटेगरी की शेयर्स हैं, तीनों कैटेगरी की फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ ₹1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू, हमारी कितनी वैल्यू पेड अप है। तो यहाँ पे निकल जाएगा वैल्यू पर शेयर है हमारा 2.25 तीनों ही कैटेगरी में, क्योंकि हमने सॉल्व करके निकाला है। यहाँ पे शेयर 10 रुपये का है, इसको 10 से इंटू कर देंगे, यहाँ से 8 से इंटू कर देंगे, यहाँ से हम 6 से इंटू कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 22.5। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 18 और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 13.5। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का जिसमें हम नेट असेट्स में पेड अप कैपिटल से डिवाइड कर देंगे तो 1 रुपये के शेयर की वैल्यू निकल जाएगी, इसको हम उसके पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वैल्यू पर
शेयर, ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का एंड सी कैटेगरी का। तो ये भी एक तरीका है हमारा सॉल्व करने का। आज के लिए इतना ही।